you know what are the important uh, planning processes for the transportation and uh, what are main uh, problems which we need to address during the planning process okay? uh, so that we can know what is good planning what is bad planning and then what are those solutions which can be part of our good planning for the transport and that way we will conclude at the last well if you see this trend world urban population

राइट इवन देयर कंट्री साइड विच वी कैन कॉल रूरल एरिया ऑल्सो यू नो हैविंग द सेम एम्युनिटीज एज अर्बन सिटीज हैव अर्बन एरियाज हैव सो बेसिकली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम फेसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल थिंग्स आर देयर विच एग्जिस्ट इन द सिटी दैट्स वाई वी कॉल इट अर्बनाइज राइट बट इन लैस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दिस अर्बन पोपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग दैट मीन्स माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू सिटीज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड दिस इज़ दि साइन और इंडिकेटर ऑफ सो कोल्ड डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द प्रजेंट एरा

प्रपोज्ड बाई पोलिटिकल पार्टीज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज पॉपुलेशन इफ अर्बनाइज पोपुलेशन इज मोर दैन द इशूज विल चेंज सो दे हैव रिप्रकशंस ओके फॉर एग्जाम्पल मेगा सिटी मुंबई सम पीपल आरग्यू दैट मेगा सिटी मुंबई शुड भी ए स्टेट लाइक डेली बट दैन द स्टेट पॉलिटिक्स से दैट नो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड दिस इज़ ज्वेल ऑफ आवर स्टेट सो दोज आर इशूज़ इन फैक्ट बट देर आर यू नो वेरियस कंसेप्ट एंड आइडियाज लाइक

सिटीज इफ यू सी दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज एंड पॉपुलेशन इन एटीन फिफ्टी ओके सो दिस इज द एरा वैन इंडस्ट्राइजेशन स्टार्टिड सो ओनली थ्री सिटीज हैड पॉपुलेशन मोर देन वन मिलियन लंडन बीजिंग एंड पैरिस ओके ओनली दीज थ्री सिटीज बट नाव इट इज़ फॉर गेट अबाउट वन मिलियन सिटीज नाव वी हैव मेगा सिटीज एंड मेगा सिटीज आर नॉन एज सिटीज विच हैव पॉपुलेशन equal to or more than 10 million according to United Nations definitions. So, there are you know, several cities which are largest cities nowadays and in 2015 uh, you know, these emergence of several mega cities occurred and which are like 10 million or more. So, these are you know, locations of uh, cities and across the world like in India we have Mumbai, Kolkata, Delhi and in South Asia if we consider then Dhaka, Karachi all these are the mega cities.

विच ऑल्सो गिव्स दिस काइंड ऑफ इंसाइट दैट इन यू नो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया वेयर सिटीज़ आर हाईली डेंसली यू नो पोपुलेटेड फॉर एग्जाम्पल होंगकॉन्ग और इवन मुंबई डेली एट्सेट्रा सो देअर डेंसिटी इज़ मच मोर पर स्क्वेयर किलोमीटर और पर हैक्टेयर हियर दिस डेटा इज पर हेक्टेयर एंड दिस इज़ दी यू नो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एनर्जी कंजम्शन गीगा जूल पर कैपिटा

Uh, even some density related parameters, also, but I mean more, but the energy consumption per capita is much lower than the USA. If you see uh, in less developed countries of Asia and other cities, where per capita usage of energy is very, very less, because the cities are highly packed, highly dense, and the population is living together in multi story buildings and even slums and uh, very densely populated areas. ओके सो द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वाई इट इज़ देयर वाई डू वी नीड टू प्लान द ट्रांसपोर्टेशन एट ऑल सो द प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज़ यू नो बेस्ज ऑन फॉसिल फ्यूल बर्निंग सो दैट वे यू नो यू कैन ट्रैवल लॉट ऑफ डिस्टेंसिस इफ़ यू हैव यू नो लॉट ऑफ पर कैपिटल इनकम बट इफ यू वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शिफ्ट सिस्टम फ्रॉम द प्राइवेट कार्स और टैक्सीज एट्सेट्रा और इफ़ यू वॉन्ट टू प्रमोट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक वॉकिंग और बाइसिकलिंग दैन द यू नो दीज रोड्स एंड पाथ्स मस्ट बी शॉर्टेस्ट वन दैट मस्ट बी स्ट्रेट वेर इज़ इन कार यू कैन यू नो गो फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर इन जिग जग वे और लॉर्ड सो देट वे वी नीड प्रॉपर प्लानिंग सो दैट द डिस्टेंसिज वी कैन रिड्यूस एंड दिसज आर वॉकिंग डिस्टेंसिज नाउ इट इज कंसेप्ट आर इमर्जिंग दैट द सिटीज शुड बी मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल इन वॉकिंग डिस्टेंसेज देयर कमर्शियल सेंटर्स दे आर जॉब रिलेटेड द इशूज और वॉट एवर एक्टिविटीज और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स दे शुड नॉट बी फार अवे ओके दैट वेज सम यू नो स्मॉल पॉकेट्स मस्ट भी डेवलप्ड इट्स नॉट देट एट ए पर्टिकुलर सिटी सेंटर यू हैव डेवलप्ड वेरी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल आर रनिंग टूवर्ड्स दो सिटी सेंटर्स टू मीट देयर डिमांड्स नो नाउ इट इज़ पॉपुलेशन इज़ बींग Uh, you know, uh, planned in communities, and communities are being provided with certain facilities. Well, if you see this, uh, you know, flow chart of uh, planning ideas, so the real world related uh, uh, whatever needs are existing, so we abstract, we think about that, and then we develop some sort of models or frameworks in the sense conceptual kind of thing, you can say, and we analyze them.

सम हाईवे और सम रेलवे सो समटाइम्स यू नो पोलिटिकल रीजन्स आर देयर फॉर हैविंग सम पर्टूलर ट्रैक और सम पर्टूलर इंफ्रास्ट्रक्चर सो ऑल दीज इश्यूज़ वैन दे क्लब टूगैदर दैन द रिजल्टेंट प्लानिंग ऑकर्स सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड वैन वी यू नो प्रोवाइड दिस मोर इंटीग्रेटेड प्लानिंग प्रोसेस दैन वी डिफाइन द प्रॉब्लम

और प्लानिंग इज़ लैकिंग और देर इज़ ए बैड प्लानिंग सो दिस थिंग्स विल नोटिस थ्रू द एग्जांपल्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ द सिटी ऑफ मिसोला व्हिच इज़ कइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ सिटी प्लानिंग और यू कैन से ए बैड प्लानिंग और अनइंटीग्रेटेड काइंड ऑफ प्लानिंग लाइक दिस सिटी सेंटर दिस ग्रीड्स यू कैन सी दीज काइंड ऑफ ग्रिड्स आर देयर दैट वे राइट एंड

वेयर प्लानिंग लैक्स और इट डज नॉट हैव द विज़न और इट डज नॉट हैज द इट डज नोट हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम द प्रीवियस प्लानिंग टू द फ्यूचर प्लानिंग ओके सो दिस काइंड ऑफ इंटरसेक्शन्स हैप्पन वेयर सेवरल काइंड ऑफ रोड्स आर कमिंग एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद दीच अदर सो पीपल मे गेट कन्फ्यूज वेयर दे आर गोइंग टू टर्न एंड देर इज़ नॉट इवन प्रॉपर यू नो दिज सर्किल और ट्रैफिक लाइट्स सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैड प्लानिंग और नॉट एडिक्युएट प्लानिंग और अनएडिकुएट प्लानिंग इनएडिकुएट प्लानिंग और वेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेटी देयर ओके सो दीज आर मेल फंक्शन जंक्शंस वेयर एक्सीडेंट्स चांसेज मे ओकर एक्सीडेंट्स मे ओकर सेफ्टी इशूज में अराइज सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू अवॉइड दैट इज़ वाई वी नीड प्लानिंग मींस दीज आर द थिंग्स दीज आर द रियल सिचुएशंस विच गिव्स अस ए नीड ऑफ द प्लानिंग दैट प्लानिंग इज नीडिड for avoiding ill consequences of these kind of situations uh, now one real example of uh, you know delhi at ashram chowk this particular uh, you can see this uh, you know road uh, this is not functioning this is closed due to certain reasons. so what happens the local population from point a to point b they could go from this short path and within uh, you know like having bicycle or having a scooter those kind of things and without wasting much time but because this connectivity is not there what happens the person goes from this like that and this way and from b to a like this this very long path so they take their cars or you know taxis or three wheelers and that creates you know lot of traffic jam situation on this particular path because this is the uh, uh, ring road where local population also goes because ring roads are having मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फॉर अदर कनेक्टिविटी मीन्स लार्जर डिस्टेंसेज बट दिस शॉर्टर डिस्टेंसेज पॉपुलेशन और ट्रैफिक ऑल्सो गेट्स एडेड इन टू दैट एंड दैट क्रिएट्स सिचुएशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड विच कैन बी अवॉइडेड सो दिस काइंड ऑफ यू नो विकुलर कंजेशंस आर अगेन द इंडिकेशन दैट वी नीड प्रॉपर प्लानिंग ओके अगेन सी दिस यू नो टर्मिनल्स एंड ट्रांसपोर्ट मोड्स हाउ मच क्राउड इज देयर ओके दैट मीन्स अगेन द नीड ऑफ द पीपल इज नॉट बींग मेड प्रॉपरली मे बी दे नीड मोर टर्मिनल्स ओके और दे नीड मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन्स समथिंग लाइक दैट सो दैट दे कैन टेक द पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नाउ पीपल आर ट्रेवलिंग जस्ट यू नो दिस इज दिस बस इज टोटली पैक्ड एंड दे आर अलाउड इवन एट द डोर स्टेप्स and this is very dangerous because something happens and people lose their balance, they can fall on the road and uh, uh, bad accidents may happen. and this, these, these are the things which really happen. you might have read in uh, newspapers that uh, some traffic accident happened because of these kind of negligence things. so these are avoidable and these are the situations which uh, motivates us that we should go for better planning this is another example even in developed countries also if you don't have proper signage and uh, if you uh, you know these uh, cars if they come on the cycle track these kind of uh, you know uh, uh, intersections are there and proper uh, uh, indicators are not there then these kind of accidents may happen even in developed countries so those particular uh, you know uh, rules and regulations have to be followed

मोर स्लो स्पीड मोर आइडलिंग मीन्स यू आर देयर यू आर वेटिंग फॉर मूव दीज मूवमेंट्स ऑफ द ट्रैफिक एंड देन समटाइम्स पीपल डोंट स्विच ऑफ देयर इंजिंस एंड दीज काइंड ऑफ हेमिशंस हैपन सो लॉट ऑफ फ्यूल इज़ बर्निंग एज वेल एज एयर क्वालिटी इज बिंग डिट्यूरेटेड सो दीज आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ इन एडिक्यूट प्लानिंग और बेड प्लानिंग वे आर वी नीड गुड प्लानिंग्स फोर देट ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन डज नॉट हैप्पन वेल पुअर पार्किंग फैसिलिटीज़ और ऑल्सो द थिंग्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ द यू नो नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द बैड प्लानिंग सो यू कैन सी यू नो दिस द लेन विच इज़ मैंट फॉर बाइसिकल समबडी हैज़ पार्ट हीज़ और हर कारियर सो दिस इज़ पुअर पार्किंग फैसिलिटी इज रिजल्ट मीन्स दे नीडिड पार्किंग फैसिलिटी बट दे डोंट हैव एडिक्युएट पार्किंग फैसिलिटी एंड दे यूज़ दिस पर्टिकुलर पार्थ सो बोथ वे आर देयर मीन्स द रोंग एक्ट इज़ देयर but at the same time if that person does not have uh, the proper place of parking then uh, he or she may say that where should i park i have come to buy uh, some medicine or something like that some emergency there then what happens those kind of excuses may be there then again uh, these are the bad uh, parking means uh, uh, people are not uh, parking their vehicles in a proper lane so that they can uh, you know go from particular direction and uh, people are going

वॉट इज स्टैंड इज देयर मीन्स दोज काइंड ऑफ यू नो स्टैंडर्ड और दीज विजन्स विच वी आर टैगिंग विद द ऑथोरिटी और द रेपुटे ऑफ द पर्सन दीज आर द फॉल्स इश्यूज बट दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे रियली गिव बूस्ट टू सम सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर ओके दैन सब अर्बनाइजेशन एंड डिग्रेडेडेड सिटीज बिकॉज वैन दे आर फार अवे दैन दे हैव टू ट्रैवल ऑटोमोबाइल्स ओरिएंटेड लैंड यूज प्लानिंग एज वी हैव डिज जनरस पार्किंग सप्लाई सो अगेन इफ यू नीड मोर पार्किंग दैन लेस स्पेस विल भी अवेलेबल फॉर लेटस से पार्किंग दिल्ड्रन पार्क फॉर यू नो दोज काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरियाज और ग्रीनरी ग्रीन स्पेसिज एट्सेट्रा दैन डिसपर्स डेवलपमेंट पैटर्न दोज काइंड ऑफ पैटर्स विच आर

but this is very, very energy intensive lifestyle, which is not sustainable. some people argue that if everybody has to, uh, you know, rise to the standard, this uh, living standard of the uh, usa or those kind of developed countries, then we need, you know, five or six earths, which is not possible. only one planet we have, so we are, we, we are the common citizens of this planet earth, and we have the shared responsibilities. it's not good that, uh, you know, some population, uh, uh, claim more resources and others are deprived of them, that is not a good idea, uh, that is not uh, sustainable. So, these kind of you know you can see uh, uh, bridges and highways and then uh, uh, lanes or roads have been designed in Detroit and Los Angeles, because these are the cities which is highly dependent on automobiles or cars. Well, these sprawling cities to multipolar centralized cities comparison is there, because if the central business district, or commonly known as city center, if they are at the center and all population is, uh, you know, running towards that uh, to meet their commercial demands, etc., then lot of traffic will be there. So that way, now designs are there that small, uh, you know, business areas, commercial areas can be developed uh, across the city. Or some cities are clubbed together, like sometimes we talk about, uh, you know, twin cities or.

वेल वैन वी टॉक अबाउट दीज इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग बेस्ड ऑन द इंड्यूस डिमांड विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यू एस ए मीन्स यू आर पंपिंग लॉट ऑफ रिसोर्सिस फॉर बिल्डिंग सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री एंड युअर अर्बन सेंटर्स और युअर बिग मॉल्स आर लोकेटेड यू नो सर्टन माइल्स अवे फ्रॉम द सिटीज दैन पीपल नीड ऑटोमोबाइल्स ओके and uh, then other uh, you know financial uh, products are also available to give you loan you can buy car then you can pay those kind of economic systems may be there so this is the induced demand which is not the real demand but you can infuse and you can uh, motivate uh, artificially the uh, uh, population to buy or to uh, put lot of efforts in a particular sector so that way you know this transportation induced demand need some some sort of predictions or uh, you know kind of scenario creation so predictability and uncertainty are always there because people have you know volition when people will change their choice nobody knows but uh, certain behavior can be predicted for shorter periods of time so for example like uh, within 5 years or so there are uh, kind of um, good relationship between uh, prediction and the uh, uncertainty means lot of uncertainty is not there, but if you want to predict or speculate for uh, let us say 50 years or so, lot of uncertainty may be there and uh, uh, predictions or the uh, scenario creations may be false. So, according to those kind of long term uh, scenario creations, it is difficult to plan whatever planning you want to have. वेल दिस एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स द रिजल्ट यू कैन सी द ट्रिप्स बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन यू नो लाइक इनिशियल ऑफ नाइंटीन हंड्रेड टेन ट्वेल्व मीन्स लॉट ऑफ पोपुलेशन यूज टू बी देयर और द ट्रिप्स मिलियन ट्रिप्स ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वॉज देयर बट इट गोट रिड्यूस बिकॉज दिस प्राइवेटली ऑनड ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज एंड स्लोली यू कैन सी वेरी लैस इन दीज इन दीज ईयर्स व वेरी लेस पीपल ट्रेवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग जस्ट देयर ऑन ऑटोमोबाइल देयर कार्स सो यू कैन सी दिस ओनली पब्लिक ट्रांजिट टू लेस दैन टू परसेंट इन द यू एस सो इट हैज सब्सटेंसली डिक्रीज ओवर द इयर्स सो दैट्स इज नॉट ए गुड साइन इफ यू थिंक फ्रॉम सस्टेनेबल परसपेक्टिव वेल दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वैन वी टॉक अबाउट टर्मिनल्स और हब्स और गेट वेज रिलायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द पाथ एंड द इंटीग्रेशन सो इफ यू नीड टू इंटीग्रेट यू नो सर्टेन डेस्टिनेशन एंड लोकेशंस दैन यू यू नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग सो दैट लाइक यू गो देयर एंड यू रीच द डेस्टिनेशन प्रॉपरली अदरवाइज इफ देर आर यू नो सर्टेन इंटरसेक्शन दैन देर आर प्रॉब्लम्स और कंजेसन एट्सेट्रा दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ दैट

You know the same kind of example which we just saw. So if we do like a circle kind of thing there, and proper, proper, uh, you know, roots of the uh, these uh, people or vehicles, as well as uh, there are uh, like um, certain paths where people can walk. So the eight conflict points in roundabout versus 16 conflict points in a s signalized intersection. So that intersection had more. ट्वेंटी फोर बेसिकली एंड देन इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ट्वेल्व व्हीकल कन्फ्लिक्ट एंड एट व्हीकल पेडेस्ट कन्फ्लिक्ट अर्यर इट वॉज हाउ मच थर्टी टू एंड ट्वेंटी फोर सो ग्रेट रिडक्शन इज देयर पॉसिबल बाई दिस काइंड ऑफ बेटर प्लानिंग राइट एंड देन वैन यू प्रोवाइड सिग्नल देन अगेन यू कैन रिड्यूस दोज कन्फ्लिकटिंग पॉइंट्स इफ वी यू नो कंसिडर प्लानिंग वैन वी आर

और इवन एट द ग्राउंड लेवल इफ दे हैव नो इन ए सीक्वेंशियल वे देन पीपल कैन पार्क क्विकली एंड दे कैन आल्सो टेक देयर व्हीकल व्हेन दे नीड सेग्रीगेटेड बस लेन्स विच वी हैव स्टडीड इफ यू रिमेंबर बीआरटीएस सिस्टम बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सो डेडिकेटेड लेन्स कैन बी देयर फॉर बसेज दीज आर लाइक बस लेन्स एंड देन प्रोपर साइनेज सो यू डोंट नीड टू गो फॉर देट पर्टिकुलर लेन एंड देट विल भी डेडिकेटेड फॉर द

ओके रेदर दैन देयर ओन एंड सी द कम्युनिटी लाइफ बिकॉज एज इट इज़ सैड दैट ह्यूमन बीइंग इज द सोशल बींग वी शुड हैव दोज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स विच अलाउ जस्ट टू इंटरमिंगल विद दिच अदर रेदर दैन आइसोलेटिंग इफ यू आर यूजिंग आवर ओन व्हीकल वी आर आइसोलेटिंग आवर सेल्फ वी आर मीटिंग पीपल वेरी लेस इफ यू मीट पीपल दैन यू नो सोशलाइजेशन हैप्पन्स एंड इट्स हेल्दी फॉर द आवर मेंटल बिहेवियर यू नो इन सो कोल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ पीपल आर मोर डिप्रेस्ड दे आर मोर स्ट्रेस्डअअअअ अप एंड दे आर टॉकिंग टू दैम सेल्स एंड दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर राइट बट इन सोसाइटीज वी आर पीपल हैपन टू टॉक टू ईच अदर दे आर मोर फ्रेंडली एंड इफ दीज आर काइंड ऑफ लोकेशंस वी आर पीपल मीट देन सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स हैप्पन इन टू द सोसाइटी सो दे आर सेवरल आस्पेक्ट्स पॉजिटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द गुड प्लानिंग ओके दैन द एक्सेसिबिलिटी फॉर स्पेसली एबल्ड पीपल सो यू नो द एलिवेश्स एंड स्लोप्स एंड द लो लाइंग लो फ्लोर बसेज दोज काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट भी देयर सो दैट स्पेसली एबल्ड पीपल कैन ऑल्सो यूज दैम प्रॉपरली सो दीज आर द्लस पॉइंट्स ऑफ द गुड प्लानिंग ओके दैन पार्क एंड राइड मीन्स इफ यू वांट टू गो लेटस से ट्वेंटी किलोमीटर्स अवे एंड यू डोंट वॉन्ट टू यूज युअर कार यू कैन पार्क हीयर यू कैन टेक द बस यू गो

बसेज और दीज ऑटोमोबाइल फ्री जोन्स दैन इट्स क्वाइट इजी एंड कम्फर्टेबल टू एन्जॉय द वॉकिंग एंड शॉपिंग एट्सेट्रा सो दोज जोन्स मस्ट बी फ्री यू कैन सी हियर ओनली बाइसिकल्स एंड पेडेस्ट्स आर अलाउड सो दोज कइंड ऑफ थिंग्स कैन बी बाय लॉ मुनसिपलिटी कैन यू नो बाई लॉ दोज कइंड ऑफ स्पीसीज कैन बी मेड फ्री Then, somewhere some shared spaces may also be there, because sometimes people want to go very near to the shopping center or something. So, some lanes may be there and these are uh, you know shared, but then proper signage must be there, proper lights must be there, traffic lights, so that people uh, you know do not get uh, scared when uh, something comes across or they do not meet any accident something like that. So, those shared places or spaces should be properly planned similarly like uh, when safe pedestrian crossings on streets are to be ensured then many things has to be there like uh, these traffic lights must be there pedestrian bridge may be there if lot of traffic is there then it is not advisable that roads should be crossed and uh, you know narrowing roads when some uh, place is there to cross by pedestrians then narrowing down the speed is reduced okay. जेब्रा क्रॉसिंग विद पेडेस्टिन आईलैंड्स मीन्स वन पर्सन कैन क्रॉस वन पर्टिकुलर लेन दैन ही और सी कैन वेट हीयर दैन अगेन दे कैन सी वेदर यू नो लाइट ग्रीन लाइट इज देयर एंड देन दे कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर लोकेशन अनइंटरप्टेड बाइसिकल पाथ सी द ब्यूटिफुल बाइसिकल पाथ वन एग्जाम्पल ऑफ टर्की ट्वेंटी फाइव किलोमीटर लॉन्ग अनइंटरप्टेड बाइक पाथ सो दिस प्रोवाइड्स लॉट ऑफ मोटिवेशन टू दो लव टू you know bicycle or uh, do exercise so and uh, these kind of things are there so that nobody can go to this particular uh, lane and this is dedicated for the uh, bikes or uh, bicycles they can uh, use for those so bikes can be there here and the four wheelers can go through this the road so that way they are not sharing a uh, path because some you, you might be reading many times you know two wheelers accidents happens because of car because of bus or trucks etc so if we provide the bikes lane uh, path or small road uh, separately then it makes sense and it is much safer for the bike riders cycle lanes may be there similarly you can see the cycle lanes here uh, properly so uh, you can use cycles you can take cycle in the bus also and at the bus stop then there are other cycle lanes which you can see at the bus stops and uh, those crossing areas so there are proper signage and uh, uh, proper way of planning so that there is no uh, intersection of uh, different facilities well bicycle parking facility at the amsterdam you can see in netherlands most people bicycle they use lot of bicycle they they are health conscious and it is very healthy to use the bicycle it is also environment friendly there are no air pollution emissions okay so these are the ways they have provided lot of facilities for बाइसिकल रइडर्स सो दीज कांडंड ऑफ फैसिलिटीज़ इफ़ यू प्रोवाइड पीपल विल फील टू यूज इफ दे आर नॉट हैविंग यू नो पार्किंग फैसिलिटी वाई पीपल विल टेक देयर बाईसिकल अदरवाइज दे आर ऑलवेज वरीड सम बॉडी विल पिक यू टप इफ आई लीव यर सो देर मस्ट बी प्रॉपर फैसिलिटीज सो दीज आर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द पब्लिक प्लेस लाइक रिलेटेड टू बस रिलेटेड टू ट्रेन इफ दोज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल दैन पीपल कैन प्लान देयर जर्नी एंड दे कैन यूज़ देयर ओन व्हीकल ऑल्सो अकॉर्डिंगली सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द ऑब्सुलेट डिज़ाइन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विच वर मच यू नो ओल्ड एज सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे आर नो मोर यूजेबल इन दीज टाइम्स वैन लॉट ऑफ डिमांड इज़ देयर ऑफ मल्टी मॉडल सिस्टम्स एंड वी आर मोर हेल्थ कॉन्शियस वी वॉन्ट टू यूज Uh, like separate lanes for walking and cycling, etc. so the proper transportation planning is needed uh, to be done for implementing. and we have also seen that what are the negative or uh, externalities of the bad planning and what are the good points which can be addressed through uh, better planning. Uh, this is the reference list which you can go through for additional information. thank you for your attention to this uh, planning-related uh, introduction.